क्या वॉर किसी प्रॉब्लम का एकमात्र सोल्यूशन है? नहीं, युद्ध किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो सकता। वॉर हमें सिर्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाता है और कुछ नहीं। वॉर से अगर किसी को कुछ मिलता है तो वो है मौत। हजारों लाखों बेगुनाह लोगों की मौत, जिनका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता। बहुत से सोल्जर्स के साथ साथ मासूम बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी मारे जाते हैं सिर्फ और सिर्फ वॉर की वजह से। बड़े और पावरफुल देश वॉर करते हैं या वॉर की धमकी देते हैं ताकि उनसे कम पावरफुल देश उनके कंट्रोल में रहे और उनसे हमेशा डरते रहे। लेकिन वो कभी कभी भूल जाते हैं कि पोर और लेस डेवलप्ड लोग अगर एकजुट होकर डिसाइड कर ले कि उन्हें किसी बड़े थ्रेट को डिफीट करना है तो किसी भी बड़े डेवलप्ड देश की पराजय निश्चित है। तो इस वीडियो में मैं इसी चीज़ के ऊपर बात करने वाला हूँ कि वॉर इज नॉट ए सोल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम। यह तो सही बात है कि वॉर करके आज तक किसी को कोई सलूशन नहीं मिला। एग्जाम्पल के लिए आप हिस्ट्री के वो भयानक पार्ट को याद करो, वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू। कोई भी वॉर अल्टीमेटली अगर हमें कुछ देती है तो वो है इकोनॉमिकल और सोशल प्रॉब्लम्स। जैसा कि एलिनोर रूजवेल्ट ने कहा था, नो वन वन द लास्ट वॉर एंड नो वन विल विन द नेक्स्ट। उनकी यही बात यह क्लियरली डिफाइन करती है कि वॉर कोई भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। इससे अच्छा तो किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए सुलह को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, क्योंकि वॉर हमेशा क्रूरता के साथ खत्म होती है। किसी भी वॉर में अगर कोई सबसे ज्यादा सफर करता है तो वो है नॉर्मल पीपल्स। कोई भी मौत के डर में जीना पसंद नहीं करता, कोई भी अपने बच्चे की लाइफ खतरे में नहीं डालना चाहेगा। वॉर एक ऐसा डिस्ट्रक्शन लाता है जिसे कई सालों में भी कॉम्पेंसेट नहीं किया जा सकता। वॉर को हमेशा अवॉइड करना चाहिए अनलेस इट बिकम्स इनेविटेबल। नो पीसफुल माइंड वांट्स वॉर। यही पे अगर हम आज के सिचुएशन को देखें जो दिन पर दिन भयानक होती जा रही है। जी हाँ, मैं रशिया और यूक्रेन वॉर के बारे में ही बात कर रहा हूँ। जिस तरह से रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा है उसमें अगर कोई सबसे ज्यादा सफर कर रहा है तो वो है उन दोनों देशों के लोग, जो आप आए दिन सोशल मीडिया में आ रहे वीडियोस में तो देख ही रहे होंगे। किस तरह लोग सफ़र कर रहे हैं, लोग वहाँ पे सेफ नहीं हैं, लोग वहाँ पे हर एक समय अपने मौत का इंतज़ार करते हुए जी रहे हैं। यहीं पे अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हुआ तो भयानक लेवल पे डिस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि आज सभी देश के पास बहुत ज़्यादा पावर है, सभी पहले से बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो चुकी है। आज के समय अगर विश्व युद्ध हुआ तो पिछले विश्व युद्ध की तुलना में और भी लाखों करोड़ों लोग मरेंगे, और तृतीय विश्व युद्ध की वजह से जो डिस्ट्रक्शन होगा उसे सही करने में 100 साल से भी ज्यादा लगेंगे। युद्ध के बारे में सोचना भी भयानक है। हम में से कोई भी नहीं चाहता कि युद्ध हो, क्योंकि युद्ध से कभी किसी का फायदा नहीं होता। प्रॉब्लम्स को जितना हो सके नेगोशिएट करके सॉल्व करना होगा, क्योंकि नेगोशिएट करके प्रॉब्लम का सलूशन करने से हजारों लाखों लोगों की जानें बचेंगी। लोगों को हर समय अपने मौत के डर में जीना नहीं पड़ेगा, लोग शांति से जी पाएंगे। न्यूक्लियर वॉर होने के बाद कैसा सिचुएशन होता है इसका एक एग्जाम्पल तो आपको पता ही होगा, जापान का हिरोशिमा और नाकासाकी। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान अमेरिका जापान के हिरोशिमा और नाकासाकी में न्यूक्लियर वेपन यूज करने की वजह से वहां पे हजारों लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे बिना किसी वजह के। उस दिन के बाद से आज भी जापान के हिरोशिमा और नाकासाकी में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं ज्यादातर विकलांग ही पैदा होते हैं। वहाँ की जमीन फसल उगाने लायक नहीं रही और ये सब हुआ है सिर्फ न्यूक्लियर वेपन के रेडिएशन की वजह से, जो आज भी इफेक्टिव है।
शांति से बातचीत करना एक असहमति को खत्म करने का सुरक्षित तरीका है जो क्रूरता में खत्म होने वाली युद्ध को नेतृत्व करे। जैसा कि चीफ जोसेफ ने कहा है, बेटर टू लिव इन पीस देन टू स्टार्ट अ वॉर एंड लाई डेड। किसी भी संघर्ष को खत्म करने के लिए सुलह सबसे अच्छी रणनीति है। वॉर करने से अल्टीमेटली सभी को सफर करना पड़ता है और इसके बाद भी नो वन गेट्स एनी रिसोल्यूशन। Indeed, it has been proven throughout history that war never solved an issue, but it caused more economical and social difficulties. किसी ने बहुत सही कहा है, mankind must put an end to war, or war will put an end to mankind.